तो दोस्तों जैसा कि बस कुछ ही घंटे बचे हैं बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट शुरू होने में, जिसके लिए आप सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इस वीडियो में आपको सारे मैचेस का बेटिंग ऑड्स बताने वाला हूं कि उनके अकॉर्डिंग किसकी किसकी जीत होने वाली है, और वही बैड ब्लड के मेन इवेंट में किसका रिटर्न एंड डेब्यू देखने को मिलने वाला है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों बैड ब्लड को जो मैच स्टार्टिंग करते हुए दिखेंगे वो है हेल इन अ सेल में सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर। दोस्तों बैटिंग ऑड्स यहाँ पर फेवर कर रही है सीएम पंक को, यानी कि वो हमें हराते हुए दिखने वाले हैं ड्रू मैकइंटायर को। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रेफ्ली के बीच, यहाँ पर डोमिनिक मिस्ट्री और शार्क एज में ऊपर बैठे रहेंगे। वही दोस्तों बैटिंग आउट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिव मॉर्गन अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटर्न करने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलने वाला है वो एक सिंगल्स मैच फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच, और बैटिंग आउट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें डेमियन प्रीस्ट हराते हुए दिखने वाले हैं फिन बैलर को। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो देखने को मिलने वाला है वो है डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच नाया जैक्स वर्सेस बेली के बीच, और आउट्स यहाँ पर फेवर कर रही है नाया जैक्स को, यानी कि वो हराने वाली है बेली को। और अब फाइनली अपना जो मेन इवेंट मैच होने वाला है वो है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सेगमेंट जेक फाटो के बीच। इस मैच में बहुत फैंस कंफ्यूज है कि आखिर किसकी जीत होने वाली है। तो दोस्तों बैटिंग आउट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स हराने वाले हैं जेक फाटो एंड सोलो सिक्वा को। और वही बात कर ली जाए यहाँ पर किसका रिटर्न और डेब्यू देखने को मिलने वाला है, तो दोस्तों जेरो न्यूज ने बताया कि जिमी उसो का रिटर्न ड्यू है बैड ब्लड के लिए, और हमें कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिलने वाला है क्राउन जोल में। तो दोस्तों इस चीज को देखकर यह पता चल रहा है कि जिमी उसो का रिटर्न बैड ब्लड में होने वाला है, और वो एंड रोमन रेंस मिलकर कोडी रोड्स पर करते हुए दिखने वाले हैं अटैक, जिसके बाद रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच सेटअप हो जाए सऊदी अरेबिया में क्राउन जोल के लिए। इसके बाद दोस्तों खुद कोडी रोड्स ने बहुत कुछ कर दिया है टीज। कोडी रोड्स हमें पैड में के भी शो में देखने को मिले थे, जहां पर सबसे पहले तो कोडी रोड्स ने खुद यह बताया कि बैड ब्लड में हमें क्राउन जोल के लिए मैच एक तरह से होता हुआ दिख जाएगा सेटअप। इसके बाद जब कोडी रोड्स शो से जा रहे थे तब पैड में के भी उन्हें कहते हैं कि मैंने सुना है कि बिग गाय इस वीक वापस आने वाले हैं, जिस पर कोडी रोड्स रिएक्ट भी करते हैं क्या वो वही है, और आप सभी को पता ही है यहाँ पर द रॉक की बात हो रही है, यानी कि हो सकता है कि हमें द रॉक का रिटर्न देखने को मिल जाए जब कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस अपने मैच को जीत जाए और वो आकर कन्फ्रंट करें इन दोनों को, जिसके बाद में भी द रॉक हो सकता है हमें कोडी रोड्स को चैलेंज करते हुए दिख जाए क्राउन जोल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। दोस्तों आप सब कह सकते हो कि यह बात तो ऑब्वियस हो चुका है कि इस टैग टीम मैच में डेफिनेटली से कुछ ना कुछ बड़ा होते हुए दिखने वाला है, और ये भी हो सकता है कि इस न्यू ब्लड लाइन के तरफ से हमें किसी का डेब्यू देखने को मिल सकता है जो कि जिला फाटो एंड हिकिलियो। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि द रॉक आकर हमें रोमन रेंस का साथ देते हुए दिखे और वो दोनों मिलकर अटैक कर दे कोडी रोड्स पर। तो दोस्तों हमें बैड ब्लड के मेन इवेंट में कुछ ना कुछ तो बड़ा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप सब बैड ब्लड के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है आप हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।